हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सिविल कॉन्सेप्ट एंड प्लान्स। तो फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। ओके, तो जनरली जो हमारा जो फाउंडेशन होता है उसकी जो डेप्थ कितनी होनी चाहिए उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो उस पर बेसिकली एक फॉर्मूला होता है जो कि देख सकते हैं यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है, लेकिन बात करते हैं कि यहाँ पर जो पी डी डब्ल्यू फाई ये हमारा कहाँ से आने वाला। ओके, तो फर्दर वीडियो में आगे बढ़ने के पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दोगे फ्रेंड, ताकि इस तरह की वीडियो नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। ओके, तो चलते अपने टॉपिक को देख सकते हैं कि डिजाइन ऑफ फाउंडेशन करने के लिए हमें सबसे पहले देख सकते हैं कि जो फॉर्मूला आता है ये हमारा आता है रैंकाइन फॉर्मूला के थ्री। ठीक है, रैंकाइन हमारे जो साइंटिस्ट है उसके अकॉर्डिंग दिया गया है। तो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज कैलकुलेट बाय रैंकाइन फॉर्मूला। ठीक है, जो कि हमारा क्या होता है पी बाय डब्ल्यू। ओके, D इज इक्वल टू होता है हमारा P बाय W। देख सकते हैं कि जो जनरल जो डेप्थ फाउंडेशन देख सकते हैं, सबसे पहले हमारा क्या एक्सकवेशन करते हैं, तो एक्सकवेशन के दौरान जो हमारा जो फाउंडेशन हुआ, ठीक है, ये हमारा जो फाउंडेशन हुआ इसकी डेप्थ कितनी होनी चाहिए इस पर ये हमारी कितनी होनी चाहिए इस पर बात करते हैं। ओके, तो देख सकते हैं जो हमारी जो डेप्थ होती है वो हमारी होती है पी बाय डब्ल्यू। अब ब्रेकेट होता है स्टार्ट फ्रॉम 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव का होल स्क्वायर। ओके, तो हमारी जो डेप्थ निकल गई वो निकल गई पी अपॉन डब्ल्यू 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव का होल स्क्वायर। ओके, ना बात करते हैं कि यहाँ पर जो P क्या है। ठीक है, तो P हमारे देख सकते हैं सेफ परमिसिबल प्रेशर ऑन बेस सोइल। तो ऑब्वियस बात है कि जो हमारा जो फाउंडेशन होगा उसकी जो बेस होगी वो हमारे कहने के क्या होगी, सोइल पर जो हमारी रखी जा रही है। ठीक है, तो हमारी जब सोइल पर होगी तो सोइल पर हमारा कितना मैक्सिमम परमिसिबल जो प्रेशर लग रहा है, ठीक है, तो कितना वो सेफ है, मतलब कितना हमारी जो हमारी जो फाउंडेशन होने वाली कितनी मैक्सिमम से मैक्सिमम वो लोड हमारी जो सोइल बियर कर सकती है। ठीक है, तो वहीं लिखा है कि बेस, ठीक है, तो बेस पर हमारी सेफ परमिसिबल प्रेशर कितनी होनी चाहिए वो हमें पी बताता है। ठीक है, डब्ल्यू की बात करें तो वेट ऑफ सोइल। ठीक है, कि ऑल दो हमारा जो फाउंडेशन है वो हमारा क्या सोइल पर ही आने वाला है। ठीक है, तो सोइल पर आने वाला है तो ये हमारा क्या हो गया पी हो गया सेफ परमिसिबल प्रेशर ऑन बेस या फिर सोइल। डब्ल्यू हमारा जो हो जाता है वेट ऑफ सोइल हो जाता है इन केजी पर क्यूबिक मीटर में। ठीक है, क्यूबिक मीटर में, और जो सेफ परमिसिबल प्रेशर हो जाता है वो हमारा होता है केजी पर स्क्वायर मीटर में। ठीक है, और जो फाई क्या है देख सकते हैं यहाँ पर क्या है फाई, तो फाई होती है फ्रेंड एंगल ऑफ रिपोज ऑफ सोइल। ओके, एंगल ऑफ रिपोज ऑफ सोइल। और जो डी होती है वो हमारी होती है डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इन मीटर। ठीक है, जो डी होती है वो जो हम लोग को कैलकुलेट करना है डेप्थ ऑफ फाउंडेशन वो क्या हुई है इन मीटर में। ठीक है, अब बात करते हैं कि पी की वैल्यू डब्ल्यू की वैल्यू फाई की वैल्यू आती कहां से। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ के फॉर गुड सोइल के लिए। ठीक है, ऑन एवरेज की बात कर जो एवरेज जो हमारे जो गुड सोइल होती है तो उस केस में उस जो फाई की जो वैल्यू ली जाती है वो 30 डिग्री ली जाती है। ओके, जो पी ली जाती है, ठीक है, तो सेफ परमिसिबल जो प्रेशर जो हमारी जो सोइल झेल सकती है कितना। ठीक है, तो हम सेफ परमिसिबल जो प्रेशर की बात करें वो होता है हमारा 10 टन। ठीक है, देख सकते हैं 10 टन पर स्क्वायर मीटर में। ठीक है, तो एक मीटर स्क्वायर में ज्यादा से ज्यादा जो हमारी जो सेफ परमिसिबल जो प्रेशर होगी हमारे सोइल पर वो हमारी क्या होती है 10 टन होती है। ठीक है, 10 टन होती है, और एक टन में हमारा कितना होता है 1000 kg होता है। ओके, और अगर बात करें डब्ल्यू की तो डब्ल्यू क्या था फ्रेंड वेट ऑफ सोइल था। ठीक है, तो वेट ऑफ सोइल तो वो हमारा कितना होता है 1600 kg पर मीटर क्यूब में। ठीक है, तो एक मीटर क्यूब में जो हमारा जो वेट होता है सोइल का वो हमारा क्या होता है 1600 kg होता है ऑन एवरेज। ठीक है, एक एवरेज गुड सोइल के लिए था। अब फ्रेंड इजिली वैल्यू को पुट कर सकते हैं और जो हमारी जो डेप्थ होती है फाउंडेशन की वो इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड ये था छोटा टॉपिक कि हाउ टू कैलकुलेट डेप्थ ऑफ फुटिंग। आप इजिली अपना खुद का जो हमारा जो अगर आप खुद चाहते हैं कि हमारा जो फाउंडेशन है उसकी डेप्थ कितनी होनी चाहिए तो आप इजिली इस फॉर्मेट को फॉलो करके निकाल सकते हैं। ओके, तो आशा फ्रेंड ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, और अभी तक हमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके फ्रेंड, ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे, और इससे रिलेटेड अभी कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।